आपकी सीबीएसई बुकलेट में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये सेम कंडक्टर जो मैंने बना ड्रॉ किया अभी, सेम इसके अंदर वी डी वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट है, टी इज द टाइम लेंथ ऑफ द कंडक्टर मेजर करने के लिए, एल इज इक्वल टू वी डी इंटू टी, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एरिया इंटू लेंथ की जगह वी डी इंटू टी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ कंडक्टर एन, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लिख लेना साइड पे, हेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है तो टोटल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इंटू ई है, तो यहाँ से क्यू आर टी डिवाइड कर दिया, करंट आई आ गया, तो वी डी इज इक्वल टू आई बाई एन ए ई, तो ये रिजल्ट है, सी बी एस ई के अंदर प्रूफ आएगा। जो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो 10^-5 से 10^-6 मीटर पर सेकेंड की रेंज में होती है अप्रॉक्सीमेटली, 10^-5 मीटर पर सेकेंड बहुत ही थोड़ी वेलोसिटी होती है, बहुत छोटी वेलोसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन जब वायर जब में करंट मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत स्लो होती है, ड्रिफ्ट बहुत स्लो होती है, पर क्वेश्चन आता है सीबीएसई में कि अगर ड्रिफ्ट स्पीड इतनी स्लो है तो करंट इतना लार्ज कैसे जनरेट हो जाता है, क्योंकि उसमें लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत बहुत ज़्यादा हैं, हर कोई अगर छोटा छोटा करंट भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो करंट का अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि छोटा छोटा मिला के बड़ा करंट कॉन्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। तो ये इसका आंसर है, तो ये आपने इसमें जो है याद रखना है।